बहुत आसान सा चैप्टर है बेटे, बहुत सिंपल चैप्टर है, और डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर लिमिट्स। स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी लिमिट्स को पढ़ने की, है ना। मैं एक्सप्लेन वहाँ से करूँगा व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। तो और लिमिट्स कैसे निकालते हैं वो तो पूरे चैप्टर में करना ही है, है ना। और लिमिट्स किसकी निकाली जाती हैं, सबसे पहले तीन क्वेश्चन जो सामने आते हैं, पहला है लिमिट्स ऑफ वॉट, किसकी लिमिट्स, है ना। लिमिट्स किसके लिए निकाली जाएंगी, है ना। हमारी लिमिट नहीं है ना कि तुम्हारी लिमिट में रहा, है ना। लिमिट्स ऑफ वॉट, किस चीज़ की लिमिट निकाली जाएगी। वाई टू एवेल्युएट लिमिट्स, वाई टू इवेल्युएट लिमिट्स, ज़रूरत क्यों पड़ी ना लिमिट को कैलकुलेट करने की, ज़रूरत क्यों पड़ी। और फिर तीसरा क्वेश्चन, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स। ये तो खैर पूरा चैप्टर ही है कि जो लिमिट का क्वेश्चन आएगा उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो सीधा सीधा है फंक्शंस, क्या है फंक्शंस। मैथमेटिकली बात करें तो जो हम फंक्शन चैप्टर पूरा पढ़ लिया, जो भी फंक्शन है उन फंक्शनों की ही लिमिट निकलेंगी। y इज इक्वल टू x के रूप में जो फंक्शन लिख दिया, दो फंक्शन पढ़े थे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, याद है क्या। इम्प्लिसिट होता है जो x और y के इक्वेशन के रूप में लिखा गया, वो नहीं जो y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं वो फंक्शंस कहला रहे हैं हमारे लिए ना। उन फंक्शन की लिमिट पढ़नी होगी हमको, ठीक है। अच्छा, वाई टू एवेल्युएट लिमिट, ये थोड़ी जब जांच पड़ताल करी गई, ये क्या था, भौतिक विज्ञान वाले जो हैं, फिजिक्स वाले जो हैं, वो अटक जाते थे बीच बीच में, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अटक जाते थे। तो हाय तो हम अचाते हुए गणित वालों के पास आते थे, तुम सॉल्व करो हमसे नहीं होगा। तो मैथ वाले दरिया दिल इंसान सारे लोग मेरे जैसे कि तुम बैठो यार हम कर, हम जैसे लोगों ने उनका हल निकाला, उनमें से एक चैप्टर ये वाला है ना लिमिट्स। तो हुआ क्या, उनके सामने कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, कभी सिचुएशन आई जीरो बाय ज़ीरो, कभी सिचुएशन आई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, कभी सिचुएशन आई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये जीरो बाय ज़ीरो क्या है ना, कोई बकवास सी चीज़ है ना, जीरो पॉइंट जीरो होता नहीं। अच्छा, एग्जैक्ट जीरो बाय ज़ीरो तो होगा भी नहीं, इट्स लगभग जीरो बाय ज़ीरो जैसी सिचुएशन। मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब फिर वही बात है, एग्जैक्ट जीरो हो गया तो इंटू इन्फिनिटी तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, लगभग जीरो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक जीरो की तरफ ले जा रहा है, एक इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है, गुणा होके कहाँ जा रहे हैं क्या पता, वो कौन मदद करेगा, वो ये करेगा। हाउ टू वैलिड लिमिट जब अपन करेंगे तब मदद आएगी। उसके अलावा एक होता है वन की पावर इन्फिनिटी, वन वन तो वन होता है, अब एग्जैक्ट वन हो गया तो कोई मतलब ही नहीं, पर वन के आसपास है, हो सकता है वन से ज़्यादा हो, वन से थोड़ा सा ज़्यादा, और पावर में इन्फिनिटी चढ़ाओगे तो बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी। वन से थोड़ा सा कम हुआ और इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो जीरो की तरफ जा रहे हो, तो पता नहीं कहाँ की तरफ जा रहे हैं अपन, है ना। उसके अलावा होता है जीरो की पावर जीरो, और एक होता है इन्फिनिटी की पावर जीरो। सात हो गई क्या, देखना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इनको कहते हैं सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। लिमिट्स पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले चेक करना होगा इन सात में से कौन सी फॉर्मेट है, इन सात में से एक फॉर्मेट है, तब आप हाउ टू वैलिड लिमिट्स के जो हम क्वेश्चन है वो करोगे कि इस वाले में ऐसे करेंगे, इस वाले में ऐसे करेंगे। हो सकता है इन सात में से कोई फॉर्मेट ही ना हो तो वो लिमिट का क्वेश्चन नहीं होगा, वो जनरल क्वेश्चन होगा उसका मतलब। तो हमें पता तो हो कौन सी होती है। अब अगर अपन गौर फरमाएं, जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वन एंड एक जैसी ही बात है। कैसे एक जैसी बात है, ये वाला जो इन्फिनिटी है ऊपर वाला उसको नीचे ले आओ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, क्या मैं इसको वन अपॉन इन्फिनिटी अपॉन वन अपॉन इन्फिनिटी जैसा भी लिख सकता हूँ। तो ये लगभग जीरो बाय जीरो जैसी ही सिचुएशन है। अरे वन बाय इन्फिनिटी भी जीरो है, वन बाय इन्फिनिटी भी जीरो है। अब जैसे ये लिखा है जीरो इंटू इन्फिनिटी, ये जीरो अपॉन इन्फिनिटी को नीचे ले आऊँगा तो क्या ये वन अपॉन इन्फिनिटी जैसा लिखा जा सकता है। तो ये भी जीरो बाय जीरो जैसी ही सिचुएशन है। वन रेस पर इन्फिनिटी, मान लो वाई वन रेस पर इन्फिनिटी था, लॉग ले लो जरा दोनों तरफ। अगर मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ तो क्या इन्फिनिटी इंटू एल एन वन जैसी सिचुएशन आ रही है। लॉग वन कितना होता है, जीरो होता है, तो क्या ये जीरो इंटू इन्फिनिटी जैसा ही बन गया फिर से। और जीरो इंटू इन्फिनिटी को मैंने अभी समझाया जीरो बाय जीरो ही जैसी सिचुएशन है। ये भी ऐसा ही है, तुम लॉग ले लोगे तो जीरो नीचे आएगा और एल एन जीरो बनेगा। एल एन जीरो कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी जैसा होता है, तो ये भी वही जीरो इंटू इन्फिनिटी लिखा। हर एक तरीके से हर चीज़ इसी में कन्वर्ट हो रही है, जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोली गई, आज एक जने ने कहा सर जीरो इंटू वन जीरो होता है, इसका मतलब जीरो बाय जीरो की वैल्यू तो वन हो सकती थी। दूसरे ने खेच के लाज मारी, बावले जीरो इंटू टू भी जीरो होता है, नहीं होता क्या, जीरो इंटू टू भी जीरो होता है तो जीरो बाय जीरो तो टू भी हो सकता था, जीरो इंटू थ्री भी जीरो होता है तो जीरो बाय जीरो तो थ्री भी हो सकता था, तो जीरो बाय जीरो की क्या वैल्यू हो सकती है यही तो नहीं पता।
तभी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो लगा, यही तो नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या होती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। और लिमिट हमारा यही मदद करेगा कि वो क्वेश्चन के अंदर जो 0/0 बन रहा है उसकी क्या वैल्यू आ रही है, वही हमें कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन अराइज कहाँ से हुई। जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ, मान लो एक पार्टिकल है, उसका डिस्टेंस ट्रैवल टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन दिया हुआ है एस बराबर टी स्क्वायर, है ना। जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है उसका डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो टाइम के साथ दिया हुआ है, कितना है, टी स्क्वायर जैसा है। हमसे बोला गया, मतलब एवरेज स्पीड वगैरह सब आराम से कैलकुलेट हो जाती थी, बहुत ईजी फॉर्मूले होते हैं एवरेज स्पीड वगैरह के, तो पुराने लोग सब कैलकुलेट कर लेते हैं, S2 - S1 / T2 - T1, है ना। किसी एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जितना टाइम डिफरेंस है और उस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाद में और पहले कितना किया उनका डिफरेंस ले लो तो एवरेज आता। पर एक ने क्वेश्चन अराइज किया, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है एट टी इक्वल्स टू लेट से 2 सेकंड पर, है ना। हमसे बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो। अब यार ऐसे सोचो, प्रैक्टिकल चीज़ है, एक कार है या एक स्कूटर है, स्टार्ट किया टी इक्वल्स टू 0 सेकंड से, चलना शुरू किया, कुछ एक्सेलरेशन है या कॉन्स्टेंट स्पीड है, जो भी है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, तो टी को 2 सेकंड पे चल रहा है ना, तो कुछ वैल्यू होगी ना एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पर। क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी स्पीड की? वो तो कन्फर्म है, कुछ ना कुछ तो होगी। हो कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करा जाए? वो तो फॉर्मूला बना दिया, डिफ्रेंशिएट कर दो, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ds/dt, तो 2t हो जाएगा और टी को 2 डाल दो तो 4 m/s जो है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। पर जब ये थ्योरी बन रही थी, डिफ्रेंशिएशन वगैरह जब तक था नहीं बनाया ना, गणित वालों ने मदद करी, डेरिवेटिव सिखाया, फिर बोला गया डिफरेंशिएट करने से आता है, वो कैसे आया? अब होता क्या है, जैसे एवरेज स्पीड बोला जा रहा है ना, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, ये है टी इक्वल्स टू 2 सेकंड मान लो किसी पर, थोड़ा सा डेल्टा टी टाइम आगे चला गया तो ये टी टू के बराबर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे एवरेज स्पीड बोलूँ तो क्या मैं उसे ∆S/∆t लिखता हूँ? नहीं लिखता हूँ। ∆S/∆t का मतलब कितना हो गया? T+∆t² अरे टी टू पे कितना हो गया? टी पहले था, उसमें डेल्टा टी और जुड़ गया, तो डिस्टेंस तो इसमें डाल के आएगा ना, जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें, T+∆t² - T² / ∆t टाइम कितना हो गया? T+∆t - t, ये कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखना कितना आ रहा है, ये हटा रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है, ऐसी बताओ ऊपर T² कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा? 2∆t (t+∆t²/∆t), ठीक है बेटा। ये किसके बराबर था? ∆S/∆t, है ना, एवरेज स्पीड के बराबर था। अब उन्होंने बोला एक इंस्टेंट पे निकालना है, एक इंस्टेंट में, मतलब अगर मैं इसमें से डेल्टा टी कॉमन भी ले लूँ तो ये 2t+∆t/∆t बन गया। अब उन्होंने बोला टी को सो 2 सेकंड में निकालूँ, तो टी को सो 2 सेकंड पे अगर निकालना था तो क्या डेल्टा टी का 0 होना ज़रूरी था? बताओ, अरे किसी इंस्टेंट पे निकालना है तो हमें ये जो टाइम डिफरेंस लिया गया इस टी टू को इधर ही लेकर आना था, और इधर ही लेकर आना था तो डेल्टा टी को क्या करना था? 0 करना था। अब 0 कर दिया तो यही आया, ये 0, तो कहाँ से निकाल लूँ 0/0? अटक गए वो लोग तो, कि ये 0/0 तो पता ही नहीं सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो फिर क्या किया गया, एक नोटेशन बनाया गया और उसको ऐसे लिखा गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, है ना, एक सिंबल बना, डेल्टा टी को 0 नहीं लिया, डेल्टा टी को अप्रोच कराया, किसकी तरफ अप्रोच कराया? 0 की तरफ, इट्स नॉट 0 बट इट्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0। जब ऐसे लिखा गया और ∆S/∆t में ये लिमिट लगाई गई तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और उसे लिख दिया ds/dt। ये डी जो है ये बहुत छोटे इंटरवल के लिए समझाने के लिए नोटेशन चेंज कर लिया, डेल्टा तो इंटरवल का डिफरेंस था पर जब डी लिखते हैं तो एक बहुत छोटे से डिफरेंस के लिए मेंशन किया गया। और जब ऐसा किया गया तो बोला गया डेल्टा टी 0 तो नहीं है पर लगभग 0 है, लगभग 0 तो काटा जा सकता है ऊपर नीचे से, और अगर इसको ऊपर नीचे से काट दिया तो क्या ये 2t+∆t के आसपास आ गया, लिमिट ∆T/0 था ही। अब टी को 2 सेकंड डाल दिया अगर तो क्या इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 m/s आ गई? नहीं आ गई, इनफैक्ट 4.00001 m/s आ रही होगी, 4 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ी, कुछ जरा सा जुड़ा तो 4.001 m/s। ऐसे ही अगर मैं इसके पीछे कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर डेल्टा टी टाइम पीछे ले लूँगा तो उस केस में अगर मैं आपसे ∆S/∆t पूछूंगा तो बताओगे कितना होगा? वो नेगेटिव में आ रहा होगा भाई, यहाँ कितना होगा? T-∆T²-T², यही करूँगा ना मैं, सॉरी उल्टा क्या करूँगा, T²-T-∆T²/∆t, नीचे तो टाइम डिफरेंस तो वही ∆T आएगा।
अब जब स्क्वायर स्क्वायर अभी भी काटूंगा सॉल्व करूंगा तो इसमें से वही डेल्टा टी कॉमन निकालूंगा तो ये 2t माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी बने। इसमें भी जब मैंने लिमिट चढ़ा दी कि लिमिट डेल्टा टी को लगभग जीरो के आसपास ले जाओ और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर लो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा टी एस बाई डी टी में। क्या इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.99998 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ? चार में से थोड़ा सा घटा तो ये हो गया। अब ऐसे सोचो चार सेकंड पे तो नहीं पता चल रहा था पर चार सेकंड के जस्ट पहले, एक इंस्टेंट जस्ट पहले, क्या लगभग चार मीटर पर सेकंड ही है और उसके जस्ट बाद भी कितनी है? चार मीटर पर सेकंड। तो टी कसू चार सेकंड, टी कसू दो सेकंड पे कितनी हो गई? फोर मीटर पर सेकंड। तो लिमिट ने क्या मदद करी? उस इंस्टेंट पर तो नहीं निकाल सके, उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे कैलकुलेट किया तो लगभग वैल्यू एक फिक्स वैल्यू के आसपास आ रही थी। तो इसलिए बोला गया कि लिमिट जो होती है उस इंस्टेंट पर निकालने के लिए उसके आगे और पीछे की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। अगर वो दोनों वैल्यूज बराबर आ रही होती हैं, अगर वो वाली वैल्यू बराबर, तो लिमिट इक्वल होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। तो फिजिक्स वालों को काम आसान हो गया। ये एक्चुअली आप सीखेंगे, ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। इसी वाले फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सीखते हैं। हमने तो याद कर लिया अभी कि टी स्क्वायर का 2t डेरिवेटिव होता है, टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो बनते इसी से हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो बहुत आसान हो गया, हम फिजिकल क्वांटिटीज जो एक्चुअली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी उनके आंसर्स दे पाए कि किसी इंस्टेंट पे स्पीड निकालनी है, कुछ भी करना है, स्पीड से एक्सेलरेशन निकालना है या जो करना है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस। व्हाट द पॉइंट? समझ में आ गया, ठीक है? तो लिमिट किस लिए सीखी जा रही है? ताकि हम इन सात टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, ठीक है? ये जो लिखते हैं, ये जो ऐसे लिमिट और चढ़ा के लिखते हैं, इट्स कॉल्ड लिमिटिंग नोशन। लिमिटिंग नोटेशन ध्यान रखेंगे, जब भी लिमिटिंग नोटेशन लिखा है, लिमिट लिखी है तो आंसर एग्जैक्ट होते हैं। दो तरीके से लिखते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एक्स प्लस 2 और एक है एज एक्स अप्रोचेस 3 एक्स प्लस 2। ऊपर वाला क्या कहलाता है? लिमिटिंग नोशन। और ये क्या है? ये जस्ट अप्रोचिंग वैल्यूज हैं एज एक्स अप्रोचेस 3। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इक्वल टू 5। एग्जैक्ट 5 होगा जब लिमिट लग गई तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्ट। आप सोचो ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, अप्रॉक्सीमेट 4 मीटर पर सेकंड। एक स्कूटर चल रहा है, 2 सेकंड पे लगभग होगी 4। अभी लगभग नहीं होती, एग्जैक्ट ही होती है, दिख रहा है वो चलता हुआ, कुछ ना कुछ एग्जैक्ट स्पीड रही होगी। लिमिट हमेशा किस लिए निकाली जाती है? ताकि वैल्यूज कैसी आए? एग्जैक्ट आए। और जहां एज लिख दिया तो अप्रॉक्सीमेट 5 फर्क है दोनों के अंदर ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लिमिटिंग नोशन एंड एन अप्रोचिंग वैल्यूज एज एक्स अप्रोचेस 3, ठीक है ना? आई डोंट नो दिस वैल्यू इज 5 से ज्यादा या 5 से कम, वो इस पर डिपेंड करता है। एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है, अरे इधर देखो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो एज एक्स अप्रोचेस 3 ये 3 एज एक्स, अच्छा 3 को अप्रोच करना है, 3 की तरफ बढ़ना है। अब 3 की तरफ तो दो तरीके से बढ़ा जा सकता है, 3 की तरफ यहाँ से भी जाया जा सकता है और 3 की तरफ आगे से, मतलब बड़ी वाली साइड से भी आ सकता है। इसको लिखते हैं 3 माइनस और इसको लिखते हैं 3 प्लस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, 3 माइनस मतलब 3 से कम। अब अगर x 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये 5 से ज़्यादा होगा, x अगर 3 से थोड़ा सा कम है तो ये 5 से थोड़ा सा कम होगा। समझ में आ रहा है? ये होता है, ठीक है? अभी अपन धीरे धीरे सीखेंगे पर आपको समझ में आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दो तरफ से होता है। हाँ, तो स्टेटमेंट लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स इज सेड टू एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ। लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लिमिट एक्स अप्रोचेस ए प्लस एफ एक्स
अगर आप पॉजिटिव साइड से, बड़ी साइड से, ए प्लस से एफ एक्स को अप्रोच, ए को अप्रोच कर रहे हो, उसकी जो लिमिट है वो बराबर होगी लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ एक्स के, और ये जो दोनों ही नंबर्स हैं, ये दोनों ही नंबर शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। उसकी चिंता मत करो, अभी आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस एफ एक्स, दोनों इक्वल होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए, फाइनाइट नंबर, ऐसा नहीं कि दोनों इन्फिनिटी हो गए, दोनों कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, x अप्रोचेज a प्लस, कई बार क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप x को a प्लस एच से रिप्लेस कर सकते हो। आप ध्यान रखेंगे h जो है, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, h हमेशा क्या होगा, एक बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो अगर h एक बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो a प्लस एच ए से ज़्यादा ही होगा, a से ज़्यादा होगा तो a प्लस का मतलब समझ में आता है। तो जब मैंने इसको लिमिट ये x की जगह रिप्लेस किया तो अब लिमिट a पे ना चढ़ के लिमिट किस पे चढ़ जाएगी, h पे चढ़ जाएगी। h किसको अप्रोच कर रहा होगा, जीरो को, और ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाएगा। इसको निकालना है तो इसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, a माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस विल बिकम लिमिट h अप्रोचेज जीरो एफ ऑफ a माइनस एच इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। ये जो लिमिट है इसी को आप बोलते हैं RHL, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। यदि ऐसा है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती। लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का बराबर होना जरूरी है, और दोनों वैल्यूज फाइनाइट होनी जरूरी है। नोट में कुछ एक दो पॉइंट्स लिख लो। है बेटे ए प्लस एक्स क्या, हाँ ए प्लस एच, एच पॉजिटिव क्वांटिटी है तो a में h जोड़ोगे तो a से बड़ा ही होगा, a कुछ भी हो a में कुछ जोड़ोगे पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ोगे तो बड़ा ही आएगा ऐसे, और a में से कुछ घटाओगे पॉजिटिव तो ऐसे कम हो जाएगा, तभी ना इसको राइट बड़ा है। अभी वो बता रहा था ना थ्री से आगे और थ्री के पीछे, तो आगे से तो उसे राइट हैंड कहते हैं और इधर से आओगे तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, धीरे धीरे ना क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा तब और क्लियर हो। पहले नोट में कुछ पॉइंट्स लिख लो, लिमिट x approaches a, fx does not implies x is equals to a। ये बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में बिठाना। लिमिट x approaches a का ये मतलब नहीं है कि x a के बराबर है, क्योंकि अगर x a हो गया, अगर x a हो गया तो एग्जैक्ट 0/0 हो जाएगा, वो तो कुछ होता ही नहीं है। x approaches a का क्या मतलब है, a से ज़्यादा या a से थोड़ा सा कम, वो मतलब होता है ना, x cannot be exact a। Second, अच्छा सेकंड पॉइंट, इट्स पॉसिबल दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए बट लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सब पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन x इक्वल टू a पर, अभी अब सब ग्राफ समझा देता हूँ। ये एक मान लो फंक्शन, ठीक है, ये इसका ग्राफ, ये लेट से a है, ठीक है, और ये एफ एक्स, ये वाला पॉइंट वन है और ये वाला पॉइंट टू है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ चलो मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू बताओ कितनी है, बता पाओगे एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, वन। भाई जहाँ डार्क सर्कल कर रखा है वो वाला पॉइंट इंक्लूड कर लिया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो।
अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए प्लस एफ एक्स बताना है। क्या बताना है? लिमिट एक्स अप्रोचेस ए प्लस एफ एक्स बताना है। ए प्लस का क्या मतलब है? ए से बड़ा। आप ए को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम राइट हैंड साइड, ए को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर आप यहां से आ रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग का ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको, तो आप मतलब इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो। यहां से अप्रोच करो भाई, आप इधर जा रहे हो तो आप ग्राफ पे यहां जा रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच हो रही है? टू की तरफ अप्रोच। लिमिट है तो एग्जैक्ट आंसर लिखोगे टू, लिमिटिंग नोशन है तो आंसर एग्जैक्ट आएगा। अब मैं आपसे बोलूं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए माइनस एफ एक्स बताना है आपको। ए माइनस मतलब आप यहां से अप्रोच कर रहे हो, ए को यहां से अप्रोच कर रहे हो। अब यहां से अप्रोच कर रहे हो तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहां हवा में ऊपर इधर है? अब इधर से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? वन को अप्रोच कर रही है। राइट हैंड लिमिट टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट वन है, दोनों बराबर नहीं है, तो लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पर फंक्शन की वैल्यू तो तब भी एग्जिस्ट कर रही थी। लिमिट का एग्जिस्ट करना या ना करना फंक्शन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर और फाइनाइट होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं है कि उस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या हो रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। इधर डज नॉट एग्जिस्ट।